जाता है, उसे ढूंढने के लिए भ्रमण के लिए निकल जाता है, उसे पता चलता है कि ये चंद्र किरण का महल है। चंद्र किरण को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए उसके महल के आगे अपना धुना जमा देता है। राजा मदन सेन साधु का वेश धारण करके, बाबा का वेश धारण करके उस चंद्र किरण के महल के सामने धुना लगा देता है। और जब वो धुना खिड़की के रास्ते होते हुए चंद्र किरण के महल में जाता है तो चंद्र किरण अपनी गादी से कहती है कि ये धुआं कैसा और कहां से आ रहा है। तो वो चंद्र किरण की गादी जाकर के कहती है कि महारानी, बाहर किसी साधु ने धुना लगा रखा है। तो दोनों में आपस में सवाल जवाब किस प्रकार से होते हैं, आइए चंद्र किरण के रूप में शिवानी सिकंदराबाद और राजा मदन सेन भाई ब्रजेश सौर का, आइए दोनों की रागनी को लेकर क्या लिखा है। ऐसा मैं बजाऊंगी, बहुत अच्छा बजाने।
हाँ मेरी बात सुन सुना दी।
अच्छा तो जैसा तू कहेगी जैसा मैं करूंगा। अच्छा और तू हारेगी ना जैसा मैं करूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। अच्छा हाँ आप पहले मैं करूंगी फिर तू करियो पहले मैं करूंगी मेरा जैसा कर चल कोई बात नहीं लेडीज फर्स्ट पर तू कर फिर मैं करूंगा। एक मिनट रुक जा जनता से पूछ लेते हैं। अच्छा आप राजी हो कंपटीशन देखने के लिए? कोई नहीं राजी हाथ एक बार ज्यादा ताली तो बजा दो सारे राजी अगर जो मेरी तरफ है मेरा जिसका भाई है वो ताली बजाएगा जो मेरा भाई है वो ताली नहीं बजाएगा। ये तो चुन्नी ले रही है तो अपनी मम्मी की दुआ देती चुन्नी मैं किसकी देती ऐसा मेरी बात सुन मुझसे तो कितना मैंने करीना के लिए मेरी बात सुन मुझसे तो कितना बदला मेरी मम्मी तो कह दी ना कि मशीन तोड़ दूंगी बेटे मशीन हाँ मेरे द्वारा मशीन ली तेरे द्वारा मेरे मशीन मत ले बस तू ये आइए गुरु जी क्या बोल रहे हो जोर से बोलो मजे। अच्छा और एक सुने ये मेरे